साक्षर होने के लिए ना पढ़ो, सफल होने के लिए पढ़ो, और सफलता के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। साक्षरता के लिए नहीं, हम लोग कोई साक्षरता मिशन नहीं खोल रखे हैं, ये तो आपको बचपन में साक्षर हो गए हो, अभी जो भी पढ़ाई करना है आपको सफल होने के पढ़ना है और उसी के हम लोग मेहनत करना है। क्या नाम हुआ? तनु कुमार। कौन सा क्लास में? 12th क्लास में। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ के हमें समझ में अच्छा आता है। आगे क्या बनना है? आगे हमें डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? कैसा डॉक्टर बनना है? GNM का तैयारी करना है। कैसा, ईमानदार बनना है कि नहीं? ईमानदार बनना है, ईमानदार बनना है। चलिए इनके लिए एक बार क्लैपिंग कीजिएगा आप लोग। सर का फ्यू कैसा रहता है? अच्छा रहता है सर का फ्यू, समझा मतलब नॉर्मल रहता है फी, या तो मतलब ज्यादा रहता है? कैसा फी रहता है? नहीं नॉर्मल, ठीक नॉर्मल फी रहता है सर। भविष्य में अगर हम कुछ गरीब बच्चों को भेजेंगे, टैलेंटेड बच्चों को भेजेंगे, जिनके लिए जिनके पास फी नहीं होगा देने के लिए, सर उनको आप पढ़ा दीजिए? ऐसे तो हमारे हिसाब से तो यार ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके पास फी नहीं होगा हमारे हिसाब से, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा चाहते हो तो यार, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ उनको, तो हम उनका वेलकम करूंगा और मेहनत से ही करूंगा उनके पीछे। ठीक है, चलिए ठीक है सर के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा आप लोग। चलिए बाइक वेंचर से मिलते हैं। क्या नाम हुआ? सत्पाल कुमार। किस जिले से हैं? शेखपुरा। शेखपुरा जिला से हैं जी। और नालंदा जिला में आकर पढ़ाई कर रहे हैं जी। कैसा सर का एक्सपीरियंस आता है पढ़ाने का, मतलब कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। कौन से क्लास में? 12th में। कौन से जिला से हैं? नालंदा जिला। कैसा पढ़ाते हैं सर? ठीक पढ़ाते हैं। अच्छा सर, मतलब पूछे वो घुसाते नहीं ना? नहीं तो मतलब अच्छे से समझाते हैं। कौन से जिला से हैं? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा जिला से। कैसा पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते क्या हैं। क्या बनना है? बनना तो फौजी है, पर फौजी बनना है। इनके लिए एक बार ताली लगाइएगा आप लोग। यहाँ के यहाँ मतलब आते हैं पर स्कूल में पढ़ाई उड़ाई, बिहार के मुख्यमंत्री जो है ना, सरकारी शिक्षा बहुत खराब, शिक्षा बहुत ही खराब है, तब हम लोग प्राइवेट से आगे पढ़ते हैं। कितना होता है कि सभी जगह प्रचार करते हैं लेकिन यहाँ पे क्या खाते हैं आप लोग आते हैं? तो अच्छा पढ़ाई देते हैं, इसी के लिए आते हैं। अच्छा पढ़ाई देते हैं, इनका तो प्रचार इधर उधर नहीं रहता है? कौन सा ऐसा जड़ी बूटी इन लोग पिलाते हैं सर? बोल रहे हैं बहुत अच्छा। अरे यार दुनिया में ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं बना सिर्फ मेहनत के अलावा। ये मेहनत ही दुनिया का सबसे बड़ा जड़ी बूटी है ना। आप मेहनत करो, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। कृष्णा का उपदेश भी है, कर्म करते जा, बाकी क्या है वो बात की चीज है। हमारा वही काम है, उन्हीं का उपदेश का पालन करता हूँ। लोग होते हैं पैसा कमाने के चक्कर में बड़े बड़े शहरों में जाकर पढ़ाते हैं, आप बिहार से में क्यों पढ़ा रहे हैं? यार हम खुद IIT दिल्ली से हूँ, IIT दिल्ली से MTech कर रखा हूँ, तो ये पैसा का इश्यू जो है जरूर है, लेकिन हमारी बात इश्यू है पैसे का। फर्स्ट है कि इन्हें पढ़ा लिखा करके बेहतर बनाया जाए, क्योंकि जितने बच्चे हैं यार गरीब के बच्चे हैं, इन्हें बहुत बड़ा आशा होता है एक टीचर से कि हम टीचर। नमस्कार, मैं हूं प्रदुमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज बिहार 24x7। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार स्ट्रीम में और बिग डाटा फिजिक्स क्लासेज के पास, और चलिए सर जी से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, कुछ बात करते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम सर से बात करते हैं। सर जी सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट में स्वागत है। ओ वेलकम वेलकम, बताइए। हाँ सर जी, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि एक बार हमारे क्लासरूम में आइए, थोड़ा सा हम बच्चों से इसलिए भी मिलते हैं कि ताकि बच्चों से मिलते हैं, थोड़ा सा उन लोग को गाइड करते हैं, और जो 11th 12th के बच्चे होते हैं जो अनगाइडेड मिसाल की तरह होते हैं, उन लोग को गाइड करना जरूरी है। नहीं, अभी ये बच्चे हैं ना जी, अभी जिसे बनाया जाए उसे बन जाएंगे। जी जी, इम्पोर्टेंट है कि गुड एजुकेशन का इम्पोर्टेंट है जी, ठीक है ना। तो ये बच्चे हैं, हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं ताकि बच्चे को सिर्फ बोर्ड पास होने तक सीमित ना रहें जी, क्योंकि इनका ब्राइट फ्यूचर है। अगर जितना बेहतर पढ़ाया जाए, जितना बेहतर मेहनत किया जाए, इनका लाइफ उतना आगे जाएगा, क्योंकि बच्चे का भविष्य केवल एक टीचर के हाथ में होता है और वही इनके भविष्य को बना सकता है, वही उनके एक फ्यूचर गाइडेंस दे सकता है कि वो करना क्या है ना। और इसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का हर बच्चों को प्रश्न पूछने की इतनी आज़ादी है कि इन्हें मेरा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, हम खुद यहाँ बैठते हैं और सारे बच्चों को जो समस्या है उसको सोल्व करते हैं। और इन्हें हर तरह से सुविधा दिया जाता है, जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में सुविधा दिया जाता है, AC क्लासरूम्स है, स्मार्ट क्लासरूम्स है, इन्हें बुक्स का सोल्यूशन कराया जाता है, मतलब कि इन्हें कहाँ देखा जाए तो एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन के लिए वो हर संभव यहाँ सुविधा उनको मिल रहा है। ठीक है, ये सारे इनके पास दिखाया जाता है और हम खुद इनके पास पीछे लगे रहते हैं, काफ़ी मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चे सर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं? अरे नहीं नहीं, नहीं। मैटर एजुकेशन में ग्रामीण या शहरी का लेना देना नहीं है। आजकल बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं कि इंटरनेट के जमाने में अब ना कोई ग्रामीण रहा है ना कोई शहरी रहा है, सब एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं, है ना। सर जी, जो बच्चे कमजोर होते हैं
पूछना नहीं चाहते सर कितने? नहीं। तो लोगों को कैसे आप हैंडल करते हैं? यहाँ के बच्चे ऐसा कमजोर कोई नहीं है हमारे हिसाब से, अब पूछे क्यों नहीं, इन्हें इतना पनिशमेंट दिया जाता है कि इन्हें मजबूरन पूछना पड़ता है। अब हम खुद इनके पास जाते हैं और इनको क्रॉस क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना, अगर नहीं जवाब देते हैं तो उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि आप भैया प्रश्न पूछो, है ना। सर यहाँ टेस्ट भी लिया जाता है? हाँ, यहाँ पर सारे बोला ना कि आपको एजुकेशन से एक बेस्ट एजुकेशन के लिए जो भी संभव हो सकता है वो सब कुछ यहाँ अवेलेबल से, और उस पर हम लोग काम करते हैं, चाहे हमारा डीपी हो या बुक्स इश्यूज हो या टेस्ट इश्यूज हो, सारी चीज़ें हम लोग काफ़ी बेस्ट कंडक्ट करते हैं ताकि इनका बेहतर फ्यूचर बेहतर हो सके। नॉट फॉर हमारे कोर्स भी है, हमारे एक बुक्स का एक कोर्स है कि नहीं साक्षर होने के लिए ना पढ़ो, सफल होने के लिए पढ़ो, और सफलता के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, साक्षरता के लिए नहीं। हम लोग कोई साक्षरता मिशन नहीं खोल रखे हैं, ये तो आपको बचपन में साक्षर हो गए हो, अभी जो भी पढ़ाई करना है आपको सफल होने के पढ़ना है और उसी की हम लोग मेहनत करना है। चलिए ठीक है सर, बच्चों से कुछ बात कर लेते हैं, पहले पीछे आइएगा। चलिए पीछे वाले बच्चों से मिलते हैं क्योंकि बैक बेंचर जो है उनको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, सभी से मिलते हैं। चलिए बैक बेंचर से मिलते हैं, क्या नाम हुआ? सतपाल कुमार। किस जिले से हैं? शेखपुरा। शेखपुरा जिला से हैं जी, और नालंदा जिला में आकर पढ़ाई कर रहे हैं जी। कैसा सर का एक्सपीरियंस आता है पढ़ाने का, मतलब कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। आप पीछे बैठे हुए हैं, एक बार दिखा दीजिएगा पूरा क्लासरूम आगे तक, आगे देखिए कितना दूर है यहाँ पे बैठे हुए, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? जी सर। आ जाता है पूरा यहाँ से क्लियर पता चल जाता है? हाँ पता चल जाता है। क्या खासियत है कि आप यहाँ पे पढ़ना है, बहुत यहाँ पर कोचिंग है? अगला क्लास लेट हो जाता है तो आने में सीट नहीं मिलता, इसलिए पीछे बैठे, इसलिए पीछे बैठे। क्या खासियत है आप लोग यहाँ पे आए, बहुत सारा कोचिंग है यहाँ, बढ़िया पढ़ाई होता है, इसलिए बढ़िया पढ़ाई होता है। जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जेई हुई कभी तैयारी हो गया? हाँ, जेई में सब जेई में तैयारी होती है। और आपको क्या बनना है? हमको तो बनना है एनडीए का तैयारी करेंगे, एनडीए की तैयारी करेंगे, डिफेंस में जाना है, डिफेंस में जाना है। चलिए मेरा शुभकामना है आप लोग के साथ कि आप लोग जल्द से जल्द सफल होइए, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे भाई हैं, सभी से बात करना तो संभव नहीं है, कुछ बच्चों से हम बात करते हैं। इधर भी एक बार दिखाइएगा, क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। आप इतना पीछे बैठे हुए हैं, बैक बेंचर हैं, पता चलता है यहाँ से? जी पता चल जाता है। कैसे पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा। इनका फीयू कैसा है, मतलब नॉर्मल है या तो फिर मतलब मीडियम है, हाई है, कैसा है? मीडियम है, कोई खास फीस नहीं, जैसा पढ़ाए वैसा मीडियम। एक बार इधर भी दिखाइएगा, देखिए बाहर तक बच्चे रहते हैं, क्या खासियत है सर के पास कि इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं? बिग डाटा इतना फेमस है कि जेईई मेंस का तैयारी कराते हैं। अच्छा, ये होता है कि बड़े बड़े शहरों में लोग जाकर तैयारी करते हैं, आप लोग बिहार शरीफ में क्यों तैयारी कर रहे हैं? बिहार शरीफ में उतना मीडियम है तो बिहार शरीफ में है, और पढ़ाई बेहतर होती है, मतलब मैटर जगह नहीं रखता है, मैटर मेहनत रखता है। yes. क्योंकि मैं भी यहीं से पढ़ाई किया हूं और मैं भी अच्छे नंबर लाया हूं, तो आप लोग के साथ मेरा शुभकामना है कि आप लोग भी अच्छे नंबर लाइए और अच्छे से जॉब कीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। चलिए ठीक है, पूरा क्लासरूम दिखाइए। चलिए सभी से बात करना तो संभव नहीं है, बहुत सारे हमारे भाई हैं, उनसे बात कर सकते हैं। सभी को एक बार दिखा, सभी को एक बार दिखाते चलिएगा, बहुत सारे हमारे भाई हैं। क्या नाम हुआ? टिंको कुमार गुप्ता। कौन से जिला से हैं? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा जिला से। कैसा पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या बनना है? बनना तो फौजी है, पर फौजी बनना है, इनके लिए एक बार ताली लगाइएगा आप लोग। यहाँ मतलब आते हैं पर स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई, बिहार के मुख्यमंत्री जो है ना, सरकारी शिक्षा बहुत खराब है, शिक्षा बहुत ही खराब है, तब हम लोग प्राइवेट से आगे पढ़ते हैं, स्कूल में तो पढ़ाई होता नहीं, स्कूल से सिर्फ फॉर्म भरते हैं। सर का परफॉर्मेंस कैसा रहता है? सर तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, मेरा शुभकामना है आप लोग के साथ कि आप लोग सफल होइए, और आप लोग को सफल होने के बाद इंटरव्यू ले। इधर दिखाइएगा एक बार, खड़ा होइएगा। क्या नाम हुआ? कौन से क्लास में हुए? 12th में। कौन से जिला से हैं? नालंदा जिला। कैसा पढ़ाते हैं सर? ठीक पढ़ाते हैं। अच्छा सर, मतलब पूछे हुए वो घुसाते नहीं ना? नहीं तो मतलब अच्छे से समझाते हैं। अच्छा समझाते हैं। चलिए ठीक है, मेरा शुभकामना आप लोग के साथ, आप लोग सफल होइए। इधर भी कुछ लग गया। क्या नाम हुआ? चांदनी कुमारी। कौन से क्लास में? 12th।
ट्वेल्थ में। सर का कैसा परफॉर्मेंस था पढ़ाने का? बहुत अच्छा। मतलब कौन बताए थे यहाँ पढ़ने के लिए? बहुत सारा कोचिंग है, यहाँ पर क्यों आए? अपना मन से आए। समझ में आ जाता है पूरा? हाँ। तो पूछने उछने पर होता है, कितने जगह घुसाते हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे नहीं घुसाते हैं? नहीं नहीं घुसाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। इधर भी दिखाइएगा, हमारे बहुत सारे बहने हैं, सभी से बात करना संभव नहीं है, एक बार इधर आइएगा। क्या नाम हुआ? तन्नू कुमारी। कौन से क्लास में? 12th क्लास में। 12th कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ के हमें समझ में अच्छा आता है। आगे क्या बनना है? आगे हमें डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? कैसा डॉक्टर बनना है? GNM का तैयारी करना है। कैसा ईमानदार बनना है कि नहीं? ईमानदार बनना ही, ईमानदार बनना। चलिए इनके लिए एक बार क्लैपिंग कीजिएगा आप लोग। सर का फ्यू कैसा रहता है? अच्छा रहता है सर का फ्यू, मतलब नॉर्मल रहता है फी, या तो मतलब ज्यादा रहता है? कैसा फी रहता है? नहीं नॉर्मल, ठीक नॉर्मल फी रहता है। चलिए ठीक है, बहुत सारे हमारे बहने यहाँ पे, सभी से बात करना संभव नहीं है। चलिए एक बार सर से फिर मिल लेते हैं अंत में। सर जी, बच्चों से मैंने बात किया, काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिए। कौन सा ऐसा जड़ी बूटी इन लोग को पिलाते हैं सर? बोल रहे हैं बहुत अच्छा। अरे यार, दुनिया में ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं बना है सिर्फ मेहनत के अलावा। जी, ये मेहनत ही दुनिया का सबसे बड़ा जड़ी बूटी है ना। आप मेहनत करो, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। कृष्णा का उपदेश भी है, कर्म करते जा, बाकी क्या है वो बात की चीज है। हमारा वही काम है, उन्हीं का उपदेश का पालन करता हूं। कितने लोग होते हैं पैसा कमाने के चक्कर में बड़े बड़े शहरों में जाकर पढ़ाते हैं, आप बिहार से में क्यों पढ़ा रहे हैं? यार हम खुद IIT दिल्ली से हूं, IIT दिल्ली से MTech कर रखा हूं, तो ये पैसा का इशू जो है जरूर है, लेकिन हमारी ये बात इशू है पैसे का। फर्स्ट है कि इन्हें पढ़ा लिखा करके बेहतर बनाया जाए, क्योंकि जितने बच्चे हैं यार गरीब के बच्चे हैं। जी सर, जी सर। इन्हें बहुत बड़ा आशा होता है एक टीचर से। जी सर। कि हम टीचर के पास अपने बच्चों को भेज रहा हूँ यार, कम से कम एक अच्छा फ्यूचर, भविष्य निर्धारित हो, है ना, जो जनरली यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर नहीं समझ सकता हूँ, हम किसी को दोष नहीं दे सकता हूँ, बट ऐसा देख लेता हूँ कि सारे टीचर हमारे हिसाब से यार कि सबको ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए और बेहतर तरीके से पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाई का एक लेवल रखना चाहिए जो क्लास 11th या 12th का होता है, है ना। ये बच्चे वाली पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए ताकि इनका एक बेहतर भविष्य हो जो आगे बना सके। बेटा जी, बस इतना कह सकता हूँ। सर भविष्य में अगर हम कुछ गरीब बच्चों को भेजेंगे, टैलेंटेड बच्चों को भेजेंगे, जिनके लिए जिनके पास फी नहीं होगा देने के लिए, सर उनको पढ़ा दे? ऐसे तो हमारे हिसाब से तो यार ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिनके पास फी नहीं होगा हमारे हिसाब से, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा चाहते हो तो यार, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ उनको, तो हम उनका वेलकम करूंगा और मेहनत से ही करूंगा उनके पीछे। ठीक है, चलिए ठीक है, सर के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, काफी अच्छा लगा सर से मिलकर, और बच्चों काफी यहाँ पे ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, और ये बिहार शरीफ का बहुत ही मतलब फेमस कोचिंग माना जाता है। एक बार दिखा दीजिएगा इधर, बिग डाटा फिजिक्स क्लास है, जैसा कि इसका हम कहीं प्रचार नहीं देखते हैं, इतना होता है कि सभी जगह प्रचार करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या खासियत आप लोग आते हैं? इनका तो अच्छा पढ़ाई देते हैं, इसी के लिए आते हैं। अच्छा पढ़ाई देते हैं? हाँ। इनका तो प्रचार जो इधर उधर नहीं रहता है? नहीं नहीं, प्रचार नहीं रहता है, कहीं नहीं। सर का नॉलेज का अच्छा है, ठीक है। टॉप करना है, टॉप करना है आप लोग, ठीक है, आप लोग टॉप कीजिए, आप लोग टॉप करने के बाद जैसे कोचिंग में पढ़ाता है सरकारी स्कूल में पढ़ाई होवे, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे छात्र थे, सर थे, मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।